किसी अंग्रेजी मुल्क में अगर आप जाकर के देखेंगे ऐसी जगह कि जहां कोई देखने वाला मौजूद नहीं है, न कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, न कोई किसी को रोकने टोकने वाला मौजूद है, बेआबान जंगल है और वहां एक छोटी सी एक झोपड़ी बनी हुई है, उस झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी टेबल रखी हुई है, उस टेबल के ऊपर चंद अंडे रखे हुए हैं और उसी के पास एक गल्ला रखा हुआ है और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि एक अंडे की कीमत इतनी है और जिसको अंडा चाहिए वो अंडे की कीमत इस गल्ले में डाल सकता है, जिसको जितने अंडे चाहिए वो ले जा सकता है। वहाँ कोई इंसान तो दूर की बात, कोई जानवर भी नहीं है और वहाँ अंडे रखे हुए हैं और एक गल्ला रखा हुआ है, जिसको ज़रूरत होती है, जितने अंडों की ज़रूरत होती है ईमानदारी के साथ उतने अंडे उठाता है और जितने उनकी कीमत बनती है उस गल्ले में डाल करके चला जाता है। शाम को जो उनका मालिक है वो आता है और अपने उस सामान को उठाता है और चला जाता है। ये उन लोगों ने कहाँ से लिया, ये उन लोगों ने कहाँ से लिया, ये उन लोगों ने हमारे मजहब इस्लाम से लिया। ईमानदारी से बताएं कि हमारी जो मसाजिद हैं, हम अगर उनके अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ हम अपनी जूतियों को भी महफूज नहीं पाते। यह खतरा रहता है कि हो सकता है कोई आदमी हमारी जूतियों को उठा ले। जिस कौम का यह हाल हो और जिस कौम की यह हालत हो कि अल्लाह का घर जहाँ वो अपनी इबादत करने के लिए आया है, जहाँ पर वो अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए आया है और उसके दिल में यह ख्याल हो कि पता नहीं मेरी ज्योति वहाँ बच पाएगी नहीं बच पाएगी, जहाँ यह हाल हो तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर की जो हमारी ज़िंदगी है, जहाँ हम रोज़ाना दूसरों के सामने झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके अपनी चीज़ों को बेचते हैं, धोखा दे करके अपनी जो नकली चीज़ है उसको असली चीज़ों में कन्वर्ट करके बेचते हैं और अपने माल को इस अंदाज से बना करके सजा करके बेचते हैं कि दूसरा उसको लेने पर मजबूर होता है और अपने माल की बेजा तारीफ करते हैं कि सामने वाला उसको लेने पर मजबूर होता है और न जाने कितने झूठ बोल करके ये समझते हैं कि भाई हमने इसको पागल और बेवकूफ़ बना दिया। आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया का आप हजरात का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है और वास्ता भी है कि एक आदमी चंद चीज़ें लेने के लिए एक ठेली पर जाता है और ठेली पर बेचने वाला सेब हैं या और कोई इस तरह की चीज़ है उनको बेच रहा है और बेचने वाले के चेहरे पर माशाल्लाह दाढ़ी भी है, पाबंद शरीयत लगता है, लेकिन वो देने वाला जो सामान खरीदने वाला होता है वो अपने हाथ से एक एक फल उठाता है और उसको देता है और वो क्या चालाकी करता है, वो चालाकी ये करता है कि उसके हाथ से लेता है और आराम से इधर डालता है और अपने हाथ से उठाता है और उस पन्नी में और उस पोलोथीन में वो फल डाल रहा है कि जो उसकी ठेली पर सबसे सड़ा हुआ है। वो एक एक करके एक या दो किलो अपने हाथ से उसके हाथ में देता है और उसने एक भी उसके हाथ से उठाया हुआ उसकी पोलोथीन में नहीं डाला, बल्कि अपने हाथ से उठाए हुए वो तमाम फल और वो तमाम जो चीज़ें वो बेच रहा है सारी उसके पोलोथीन में भर दी और भर करके उसको जितनी भी एक किलो या दो किलो ली थी उसके हवाले कर दी। बताए वो अपने घर पर पे जा करके उसको दुआ देगा या बददुआ देगा। और इससे भी आगे बढ़ करके हमारे करीबी मुल्क में ही जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर एक पार्लियामेंटेरियन तकरीर कर रहा है और वो बड़े दर्दमंद अंदाज से ये कह रहा है, गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम होने के बावजूद वो ये कह रहा है कि लोग मुझसे कहते हैं अपना नाम लेकर के कि दिनेश कुमार तुम कलिमा पढ़ लो, तुम कलिमा क्यों नहीं पढ़ते, तो वो बड़े दर्दमंद अंदाज से कह रहा है कि मैं कैसे कलिमा पढ़ लूँ, मैं कैसे कलिमा पढ़ लूँ, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, केले की इतनी कीमत है और इन लोगों ने रमज़ान के तकद्दस को भी पामाल करते हुए और इतने मुतबर्रक महीने की भी बेहरमती करते हुए एक चीज़ की कीमत डबल कर दी और डबल से भी ज्यादा चार चार गुना कर दी है। बहसियत गैर मुस्लिम, बहसियत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना,
रमजान शरीफ का इंतहाई मुकदस महीना जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 450-450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर सर मैं आपको बता दूं, सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त हैं मुझे कहते हैं कि धनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा, तो ये अमल देकर धनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो जखीरा अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर धनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला मैं आता हूं अभी के हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया, उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। तो जिस कौम का यह हाल हो के वो कौम रमजान मुबारक के पाबरकत महीने में भी यह हाल कर रही हो तो मैं भला कैसे ईमान ले आऊं, मैं कैसे ईमान ले आऊं? आप अंदाजा लगाएं कि हम और आप भी अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको रमजान मुबारक का इतना बाबरकत महीना अता फरमाया है। ईमानदारी के साथ बताएं कि हम में से कितने परसेंट लोग हैं कि जो मुकम्मल 30 रोजे रख रहे हैं, मुकम्मल 30 रोजे रख रहे हैं, और इतने इनमें से कितने ऐसे आदमी हैं कि जिन्होंने अब तक यहाँ कुरान करीम मुकम्मल हुआ है, कितने आदमी ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरा कुरान करीम जब इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा तो उस वक्त से लेकर और जब सलाम फेरा, कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पूरा कुरान करीम सुना है? जब हम कुरान करीम का मजाक उड़ाएंगे, रमजान मुबारक की तौहीन करेंगे और शायर इस्लाम की तौहीन करेंगे, खुल्लम खुल्ला रमजान मुबारक का महीना होने के बावजूद, मुतबर्रक महीना होने के बावजूद, जिस महीने में गैर मुस्लिम भी अगर हमारे घर आ जाता है और हम उसकी खातिर मदारात करना चाहते हैं तो वो भी हमें मना कर देता है कि नहीं भाई मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। उस मुतबर्रक महीने के अंदर हम खुल्लम खुल्ला दस्तरखान बिछा करके और खुल्लम खुल्ला खाना खा रहे हैं, ठेलियों पर खड़े होकर के इस महीने की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हमारे ऊपर आग के गोले बरसने चाहिए या अल्लाह की रहमत नाजिल होनी चाहिए? हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, अजी फुला ने ये कर दिया, इसराइल ने फलस्तीन को तबाह और बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने यूं कर दिया, फुला मुल्क ने यूं कर दिया और फुला मुल्क ने यूं कर दिया, ये बीजेपी हमारे ऊपर जुल्म ढा रही है, ये सरकार ऐसी आ गई है। अरे सरकार कैसी भी हो हमें तो सुधरना चाहिए, हमें तो अल्लाह की बारगाह में आना चाहिए। जिस दिन हम 100% इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाएंगे, याद रखें दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि दुनिया की कोई ताकत हमें और आपको दबा सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो हमें और आपको पसपा कर सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो हमें और आपको इन चीज़ों से हटा सके।